ऑलराइट फैमिली व्लॉग, खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो, जिंदे रहो, हंसते रहो, ते सानू भी सब्सक्राइब कर दे रहो। तुसी खुश रहो, आबाद रहो, ते सानू भी सब्सक्राइब कर दे रहो। तो वेलकम टू फ्रेश न्यू व्लॉग जी। तो चेक कर लें, आज की रूटीन शुरू होती है जी। सबसे पहले मैंने सोचा कि बच्चों को अच्छे से कपड़े चेंज करवा दिए जाएँ। ये मैंने अजलान का सूट लिया और ये अलीशा मेरी बेटी का है, ठीक है। जैसे जैसे रेडी करवाते हैं, आपको भी मुलायजा फरमाते हैं जी। कपड़े में इस्त्री कर लैसा, कपड़े में इस्त्री कर लैसा। ते अगे नहीं आंदा चलो कोई जोड़ के तुहानू दस लैसा इहदे नाल, कोई मिसरा जोड़ के तुहानू दस लैसा। तो जी देखे कि मैला कुचाला बना खड़ा है, और अभी थोड़ी देर में जबरदस्त बन जाएगा। तो A few moments later. तो गाइस अब मेरे बेटे का काम चेक करना जरा। अजलान आ जाओ, कपड़े चेंज करवाओ जल्दी आ जाओ। इसका काम देखें कि मैंने नहीं करवाने या भागेगा। छोड़ दो इसको, ये नानों के घर बच्चे आ जाए ना, नान के आवने के बाल और तंग करने लग गए मैंने। हालांकि नानों कोई प्यार नहीं दे रही, कोई कुछ नहीं दे रही, मैं डांटूं भी सही ना। इसका काम देखें, डांटूं भी सही तो कोई मुझे कुछ नहीं कहती। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, कपड़े जल्दी चेंज करवा लो। ऐसे आप बताओ यहाँ पे इसको जी बिठाएंगे। बैठ जा आराम से। ये दूसरी मैडम के काम देखे इसके ऊपर, ये देखे मैंने ऐसे कपड़ा किया हुआ, मक्खियाँ शक्खियाँ तंग ना करें। तो आफ्टर कपड़े पहनाने के बाद जी आपको दिखाते हैं, मुलायजा फरमाते हैं। बेटा साहब आखिरकार रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से, डक शक निकाल के। ये बाल नहीं इसके नीचे हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे माशाल्लाह से। ये तो रेडी हो गया गाइस, और अब जो है ना इसकी बारी आ गई। अब इसको रेडी करने की बारी आ गई। इस मैडम के कपड़े देखें कितने गंदे हुए पड़े, इसको तो बारिश वाई देते हैं और फिर इसको रेडी करते हैं। अजलान की नानो आ गई हैं जी मीरा को लेके स्कूल से, और अजलान की नानो लेके आई हैं चिप्स मोहम्मद अजलान के लिए। वह देखें मीरा जो है स्कूल से आ गई है, और वो रही नानो, और मोहम्मद अजलान जो है वो खा रहे हैं, और हम भी खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं जी, बड़ी मज़े की है। मेरे बेटे खुश है देखें चिप्स देख के, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस भूख बड़ी शदीद लगी थी, और अम्मी जी जो है ना ये लेके आई हैं। मैंने उनको कहा था कि बर्गर लेके आना और कुछ ना लेके आना। मीरू खान और तल्ला साहब भी जो लेके आए हैं उनके साथ। मीरू जाओ ना, 2 प्लेट्स लेके आओ किचन से। भालू रख दो ना एक दफ़ा, बर्गर नहीं खाते। हाँ तो प्लेट के अंदर रख के खाओगी ना, फिर नीचे गिर जाएगा आपसे। तो ये अब हम खाते हैं और स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आ गया जी मीरू का 1 प्लेट, इधर करो। ये आपका हो गया, और ये हो गया जी मेरा, मामू को आता दे वो नानो, मामू सामी को। बिस्मिल्लाह, ये हो गया जी मेरा। केचप वगैरह जो है वो भी है साथ में, और बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। भूख बड़ी शदीद लगी बैठी है, बड़ी ही शदीद, क्योंकि सुबह आज मैंने एक ही रोटी खाई है। पहले तो डेढ़ खा ही बना जाता है तो अब क्या करें, फिर भूख लगती है बच्चों के साथ भूख तो लगती है ना। तो ये खाते हैं जी, उसके बाद खाते हैं हमने क्या किया। A few moments later. जी तो गाइस आज हम लोगों ने क्यों नहीं खाना बनाना, मैं आपको बताती चलूं, मैं आपको दिखाती चलूं बल्कि कि हमने खाना क्यों नहीं बनाना। हम जा रहे हैं बाहर, बाहर का जरा सीन दिखाती हूँ। हमने खाना इसलिए नहीं बनाना क्योंकि आई एम व्लॉगिंग। ओके यस, आप अंदर चले जाएंगे के दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। आज हमारी दावत है, आपने दावत खानी है? किधर है आज हमारी दावत है, इसलिए हमने, मैं बता रही थी कि हमने आज खाना क्यों नहीं बनाया। खाना क्यों आज बनाया? हाँ जी आज हमारी दावत है, फिर इसका मतलब आप भी हमारे साथ दावत पे जाएंगे। आपके उस्ताद के घर, बाबस्तुल्ले के घर। हाँ वाह क्या सीन है, टाइम दे आया तुसी, हलवा ले के आया साडा। फिर ठीक है, अभी उसके भी बनाते हैं आके। मैं जरा दावत का जरा प्रोग्राम वर्ड तो नहीं गया चेक। नहीं नहीं जाना था अपने घर, वैसे कहाँ आपको टाइम है घर जाने का? वही
चले मैं जरा आई। ओके जी, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको पता तो चल गया होगा, आपको ये तो समझ आ गई होगी कि क्या रोला है, क्या इशू है कि हमने खाना क्यों नहीं बनाया। खाना हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज हमारी थी दावत, और दावत का ज़रा प्रोग्राम चेक करके आते हैं कि कैसा है। चेक करते हैं क्या होता है, क्या सीन है भाई। बाबा ना कवड़ी होने को खुलेंदे हो। दसो हसण दा हाल, कोई खोल दे वो बुआ। पर कुत्ता है ये इज्जत है भाई मेरी, इतनी बड़ी व्लॉगर हूँ, ये इज्जत है। अब सुनना जरा, अब अच्छी तरह सुनना। असल में हम नारी के घर, मैंने आपको दिखाया था ना व्लॉग में, आप लोग अगर जिसने नहीं देखा वो देख सकते हो जी व्लॉग में जाके। ये घर तो हमारी है, इनके घर आज दावत, तो एक मिनट रुकना फिर आए किससे। तो सिर्फ बुआ क्यों नहीं खोले, जल्दी जल्दी खोल लिया करो ना, पहली बैल थे मैं वेख रही हूँ। हाँ पहली बैल तो खोल लिया करो ना। तो क्या जी, कैसी दावत की रूटीन जा रही है, दिखा सकती हाँ। ओए माशाल्लाह से अभी तक तो जो है ना, ये क्या बन रहा है, वेजिटेबल पुलाव। वेजिटेबल पुलाव बन रहा है, और अभी सिर्फ मसाला बन रहा है, और हम लोग भूख से यह भी खड़े हैं यह भी खड़े हैं भाई। लेकिन खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है, बड़ी लजीज आ रही है, हसीनो जमील आ रही है खुशबू। पर अब भूख की ये सूरत हाल है कि हमें भूख बहुत दर्द लगी है। मैंने दो प्लेटें खानी हैं, दो अम्मी ने खानी है, भाई असर साहब भी आ गए, एक्स्ट्रा एक बंदा आ गया, तो सारी बात है फिर वो भी खाएंगे तो क्या पूरे हो जाएंगे। अल्लाह बरकत डालेगा, ये सबसे बेहतरीन जवाब है, अल्लाह बरकत डालेगा। तो आखिरकार हमने कुंडा खुलवा लिया है, लोग भी आ रहे हैं। अच्छा वो भी आ रहे हैं, अच्छा सब का ही है। वाह, ये फिर कितने किलो का चावल है। किलो किलो हाँ हाँ, किलो तो नहीं हो सकता, खैर किलो तो आप अकेले पकाते होंगे अपने लिए किलो तो नहीं है, किलो का मटेरियल भी नहीं है। तो फिर जी आज अब देखते हैं, फिर एक किलो आप कैसे पूरा करते हैं। किलो तो नहीं होने, ये किलो का मटेरियल नहीं है, ये कम से कम दो ढाई किलो का मटेरियल है, ऐसी बात है। चावल कहाँ पड़े हैं, ये पड़े हैं, भिगोए पड़े हैं, देखते हैं यही है ना, ये तो दूध है, और राइस ये पड़े हैं जी, ये राइस है। गाइस बताना कि ये कितने हैं, आप लोगों ने बताना कमेंट करके कि ये कितने राइस हैं। तो फिर देखते हैं आज ये कैसे पूरे करते हैं, ये इसका मतलब आप लोग खुद भूखे रहोगे मुझे लगता है, बड़े औखे पूरे होने हैं, क्योंकि जो आवाम है ना वो भूख से ये भी पड़ी है। हाँ भूख डाटी जोर की लगी है। मैं क्या कर सकती हूँ बताओ मुझे। आप ये कर सकते हैं, फिर आप भूखी आ जाएंगी मेरे ख्याल में। अस्सी मिल आंदा चलने अभी कदाई ना, हो ना जावे साढ़े सोलह ना जावे। अब पानी डालने का तकरीबन टाइम आ गया है जनाब, अब इसमें पानी सानी ऐड कर दें। हैं जी, तो जो है ना मटेरियल सारा सुड़ गया, वो पानी लेके आ रही हैं ऐड करने के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक
अच्छा ऐसे डालती हूँ मैं भी, ऐसे डालती हूँ, मेरा भी अंदाज़ है। इसका मतलब है कि जो, अच्छा आपने गिन के गिलास डाले हैं। देखिए गाइस मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ कि मैंने आज तक पानी गिन के नहीं डाला, मैं डायरेक्ट ही डाल देती हूँ, मेरा अंदाज़ है चावलों को देख के ही मैं डाल देती हूँ कितना पानी लगाना चाहिए। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा तो ये आपने फिर ले लिया था चॉपर? ये कितने का आया था? 7,500। वाओ ये सही चलता है फिर? इसमें क्या क्या कर लेते हैं? कबाब बनाती हूं। अच्छा चॉपर में? अच्छा प्याज चॉप करती हूँ। कीमा हो जाता है इसमें? ये इलेक्ट्रिक है ना? ये तो गाइस ये चॉपर है, इसका भी देख लें कि ये चॉपर है जी, ड्यूरॉन कंपनी का दे लिखा हुआ है, ठीक है। ये बाहर का है कि पाकिस्तानी है? ये नहीं पता, ये पत्नी आप लोग बताएं, ये ड्यूरॉन कंपनी पाकिस्तानी है, ये बाहर की मुझे लगता है बाहर का ही है। तो इसमें जो है कीमा भी चॉप हो जाता है, इसमें प्याज वगैरह जितने भी मसाले आपने वो चॉप हो जाते हैं सारे। सबसे बेस्ट बात यह कि कीमा चॉप हो जाता है, ये इलेक्ट्रिक है, ये इको स्टोर का ओवन पड़ा है, ये वेस्ट पॉइंट की जूसर पड़ा है जी, और पानी शानी बीच घटी गया है। पंजाबी उर्दू मिक्स ही होती है, आप मिक्स ही बोला करें, कोई टेंशन नहीं है। पानी घटी गया है, यब गया है। तो गाइस आप जब चावलों का दम उतरेगा ना, फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मजेदार चावल बने हैं, हैं जी। तो अभी थोड़ी देर के लिए करते हैं जी, आपको बाय बाय टक टक एंड नेक्स्ट अभी आपसे मिलते हैं। A few moments later. ये जनाब आ गए हैं जी राइस, जो कि मैं हमारी दावत के हैं। और ये अब हम खाने वाले हैं। तो गाइस मैं तो फिर माशाल्लाह से कोले के अंदर से ही शुरू कर दी है, मुझे बड़ा मजा आता है कोले में से खाने का। तो इंजॉय करते हैं। और ये अम्मी जी की प्लेट है। आज अम्मी जी कैसा लगा सालन ना पका के? बहुत हम फ्रेश है। क्योंकि सालन नहीं पका, इजी है। वो मेरा के है, वो मेरी बेटी है, उसे भी भूख लगी पड़ी है। ये मेरा, ये मेरा बेटा लेके बैठा हुआ थोड़ी सी माशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। खुश रहो, बाद रहो, शाद रहो, तो सर ढेर सारी दुआवां तुहाडे नाल, तुहाडी ढेर सारी दुआवां साडे नाल, ते चैनल नूं सब्सक्राइब कर दिओ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।